अगर आप भी अपने लाइव स्ट्रीम सेटअप या कंटेंट क्रिएशन सेटअप में बहुत जल्दी एक वेबकैम ऐड करने वाले हैं तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस होते हैं। या तो ऐसा होता है कि हम लोग एक अच्छा सा मस्त सा स्ट्रीमिंग एक पैकेज खरीदते हैं, ओवरले पैकेज खरीदते हैं और उसमें सब कुछ एनिमेटेड होता है। आपका जो फेस कैम होगा उसमें भी जो विंडो होती है उसका बढ़िया सा एक एनिमेटेड बॉर्डर होता है। इसके अलावा जो आपका स्ट्रीमिंग रूम है वो भी इंटरेस्टिंग होता है, अलग अलग कलर्स की लाइटिंग होती है पीछे, या ओवरऑल जो स्पेस है वो इंटरेस्टिंग होता है, पेंटिंग्स वगैरह कुछ टंगी होती हैं, जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे लाइव स्ट्रीमर्स की स्ट्रीम पे देखा भी है। और या फिर ऐसा होता है कि हम लोग दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं, वो होता है कि एक ग्रीन स्क्रीन सेटअप। दो तीन खास लोकेशंस पे लाइट होती है और स्ट्रीमर के ठीक पीछे ग्रीन कलर का एक पर्दा होता है और इससे होता यह है कि जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाता है और जो स्ट्रीमर है वो अपने गेम के का ही एक इंटीग्रल पार्ट लगता है, ज़्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है वो। तो आप अगर कैमरा खरीद चुके हैं वेब कैमरा या खरीदने वाले हैं या नहीं भी खरीदने वाले हैं, अगर चाह रखते हैं खरीदने की और इस तरह की एक्सट्रीम करने की, तो वेब कैम आपको मिलेगा आपके मोबाइल फ़ोन से। ऊपर चेकआउट करिएगा, लिंक आ रहा है आई कार्ड में कि कैसे आप अपना स्मार्टफोन जो है उसको वेब कैम बना सकते हैं। और स्ट्रीम के लिए जो ग्रीन स्क्रीन है उसका जुगाड़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बिना एक्चुअल ग्रीन स्क्रीन के कैसे आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं अपनी लाइव स्ट्रीम्स में और अपने जो वीडियो आप शूट कर रहे हैं OBS का इस्तेमाल करते हुए उसमें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको पसंद आएगी। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। भाई लोग कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ज़बरदस्त जिंदाबाद हमेशा की तरह। वेलकम टू ब्लडी हेल गेमिंग। और ये जो हम लोग एक वर्चुअल ग्रीन स्क्रीन बनाने वाले हैं अपनी लाइव स्ट्रीम के लिए या अपनी वीडियो के लिए, उसके लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे जो है XSplit VCam। तो चलते हैं वेबसाइट पर, हम लोग गूगल पर सिंपली सर्च करेंगे XSplit VCam और एक डाउनलोड पेज पर पहुँच जाएंगे। तो ओपन करते हैं वेब ब्राउज़र और मैंने टैब बना रखा है, आप चाहे तो सीधे इसको टाइप कर सकते हैं XSplit VCam, या आप ऊपर देख सकते हैं जो एड्रेस बार है उस पर लिखा हुआ रहा है XSplit.com/VCam। इस पर ये फ्री में अवेलेबल है, हम लोग इसको डाउनलोड करते हैं। नीचे लिंक आ रहा है डाउनलोड VCam और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाता है पूरा, डाउनलोड होने के बाद हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद हम लोग रिज्यूम करते हैं। तो भाई लोग VCam को जल्दी से करते हैं इंस्टॉल। मैं क्लिक करता हूँ इसको और एक टिपिकल जो एक विंडोज सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होती है बिल्कुल वैसे ही होगी ये। ओके, तो लॉन्च करते हैं XSplit VCam फॉर द फर्स्ट टाइम। क्लिक करते हैं फिनिश पे। और अभी आप देख रहे हैं कि पहली बार ये हार्डवेयर टेस्ट करता है कि आपकी जो स्ट्रीमिंग पीसी है, जो गेमिंग पीसी है, उसकी परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पूरा एनालाइज करता है। पहली बार ये टेस्ट होगा, सबसे पहली बार जब आप इसे सेटअप करेंगे और उसके बाद ये नॉर्मली रन होगा। ओके, तो अभी आपको दिखा रहा है कि हार्डवेयर टेस्ट कम्प्लीट हो गए हैं और कैमरा भी डिटेक्ट हो गया। हम लोग क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे और अभी आप प्रीव्यू देख पा रहे हैं, जो हमारा एक्चुअल कैमरा है वो शो हो रहा है और पीछे आपको बैकग्राउंड भी शो हो रहा है जिसपे कोई भी ग्रीन स्क्रीन नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर सेटिंग्स फॉग है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप सारी सेटिंग्स यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा कैमरा जूम, कैमरा फोकस वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। मेरी अपनी जो सलाह है वो आपको यही है कि इसको छोड़ दें ऐसे ही। लो लाइट कॉम्पनसेशन बेशक क्लिक कर दें अगर लो लाइटिंग कंडीशन है आपकी तो। ओके, और अभी आपको बस इतना करना है कि आप लोगों को क्लिक करना है बैकग्राउंड रिमूव पे। क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा और भी ये बैकग्राउंड है जो आप ऐड कर सकते हैं, मैं किसी भी एक को क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको क्लिक करते हैं और आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक बैकग्राउंड आ गया है। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं किसी दूसरे को और ये आपको शो हो रहा है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिमूव तो ये पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। अभी हम लोग करने क्या वाले हैं कि इस जो वीडियो कैप्चर डिवाइस है इसको हम लोग ऐड करेंगे अपने OBS में। और आप जैसा मैंने आपको दिखाया कि मेरे पीछे कोई भी ग्रीन स्क्रीन अभी नहीं है, तो मैं ओपन करता हूँ OBS और वहाँ पर इसको ऐड करते हैं जल्दी से। तो भाई लोग आ गए हैं OBS के इंटरफेस पे। यहाँ मैं ऐड करता हूँ एक वीडियो कैप्चर डिवाइस। सोर्स में जाके क्लिक करते हैं वीडियो कैप्चर डिवाइस और नाम जो चाहें दे दें, आपको पता है मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ इसको। और अगली जो लिस्ट आएगी इसमें से हम लोगों को जो डिवाइस होगा उसमें चूज़ करना है XSplit VCam को। हम लोग क्लिक करते हैं ओके और इस वाली लिस्ट में हम लोग चूज़ करेंगे, ये आ रहा है XSplit VCam को, क्लिक करते हैं और क्लिक करते हैं ओके। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा प्रीव्यू है कैमरा का वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ आ गया है। और लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी है कि आप लोगों को ये जो
ऊपर एक्सप्लिट वी कैम का ये जो वाटरमार्क है दिखाई दे रहा होगा, तो इसको रिमूव करते हैं। इसको रिमूव करना बहुत ईजी है, हम लोग अपने जो कीबोर्ड है उस पर प्रेस करते हैं ऑल्ट और हम लोग दोनों तरफ से इसको ड्रैग कर लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि ये सिंक उतना ही अच्छा होगा जितना आपका हार्डवेयर स्ट्रांग होगा पीसी का। तो ये मैंने ड्रैग कर लिया और आप ये देख रहे हैं कि कंप्लीट एकदम एकदम कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। और इसके अलावा ये जो कलर टेम्परेचर है, सेचुरेशन है, ब्राइटनेस है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं जो एक्सप्लिट वी कैम का जो सॉफ्टवेयर है उससे भी, और यहाँ पे OBS में फिल्टर्स लगा के भी। बस ध्यान ये रखना है कि पहली बात तो ये कि कुछ ऐसा रखें कि आपने जो पहना हो और जो आपका बैकग्राउंड है वो अच्छे से डिफ्रेंशिएटिंग हो बेटर रिजल्ट्स के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि लाइव स्ट्रीम के टाइम पे बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि स्टिल ये जुगाड़ ही है एक, लेकिन काफ़ी इंप्रेसिव जुगाड़ है। तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट अगर नहीं रहेगा तो बहुत अच्छी इमेज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बड़ा इंप्रेसिव रिजल्ट है जो आपको मिलता रहेगा। इस सेटअप से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करिए, पूछिए हमसे, हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे उसको एज सून एज पॉसिबल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक चैनल को नहीं किया है तो, और वो घंटा आपको ज़रूर बजा देना है, क्योंकि आपको पता है कि सारा चमत्कार उसी से होगा। जब भी हमारी एक नई वीडियो आएगी आपके लिए कुछ खास टिप्स लेके, कुछ खास हैक्स ट्रिक्स लेके, तो फौरन आप लोगों को पता लग जाएगा कि वीडियो आ गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।